इस वीडियो में बताया गया है कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को कैसे इंस्टॉल किया जाए। अहम हदायत मुंदरजा ज़ेल हैं। 1. वॉशिंग मशीन की पैकिंग को हटा दें। 2. वॉशिंग मशीन की पोजीशन और स्कीम का अंदाजा करें। 3. ट्रांसपोर्ट बोर्ड्स को हटा दें। 4. वॉशिंग मशीन को रखें और एडजस्ट करें। 5. पानी का इनलेट पाइप जोड़ें। 6. ड्रेन पाइप को जोड़ें। 7. वॉशिंग मशीन को चलाएं और चेक करें। बॉक्स को खोलें और तमाम पैकिंग को हटा दें। वॉशिंग मशीन को फ्लैट फर्श पर रखें। सबसे पहले वाटर इनलेट पाइप और ड्रेन की जगह को देखते हुए वॉशिंग मशीन की जगह का टाइम करें। 9. साकेट 3 फेस साकेट होना चाहिए जिसमें काबिल एतमाद ग्राउंडिंग हो। 2. वॉशिंग मशीन अच्छी तरह से हवादार जगह पर होना चाहिए और माहौल ज्यादा नम नहीं होना चाहिए। वॉशिंग मशीन और दीवार के दरमियान फासला 20 मिलीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। 4. वॉशिंग मशीन को जमीन से ऊंचे प्लेटफार्म पर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन की ट्रांसपोर्ट प्रोटेक्शन डिवाइस को हटाएं। 1. बोर्ड को खोलने के लिए रेंच का इस्तेमाल करें। 2. फ्रेम और ड्रम के दरमियान से प्लास्टिक ब्रैकेट को निकालें। चेक करें कि क्या वॉशिंग मशीन ठीक से रख दिया गया है। उस बात का यकीन करने के लिए वॉशिंग मशीन के पैर को एडजस्ट करें कि वॉशिंग मशीन सही तरह रखा गया है। ड्रेन पाइप को मुनासिब तरीके से महफूज करें। ड्रेन पाइप वॉशिंग मशीन के बाटम से इसी से 120 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो हमेशा मशीन की पिछली तरफ पाइप क्लिंप पर ड्रेन पाइप को फिक्स करें। वाटर इनलेट पाइप के एक सिरे को मशीन से जोड़ें और इसे हाथ से मजबूत करें। 2. दूसरे सिरे को नल से जोड़ें। तरीकाकार में वॉशिंग मशीन को चेक करें और चेक करें कि क्या कोई मसला तो नहीं है। सार्फिन को याद दिलाएं, हर बार धोने के बाद नल बंद कर दें और पावर प्लग को इंप्लग कर दें।